फ्रेंड्स, आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में स्थापित होने वाला जो विदेशी पूंजी के संयोग से पहला बैंक था, दोस्तों भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था विदेशी पूंजी की संयोग से, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में ये स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से देश का पहला स्थापित बैंक है, माने पूर्णता भारतीय बैंक, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। ये 1894 में स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है, देश का सबसे पुराना बैंक है, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है और 1865 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, तीन प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। जो दोस्तों तीन प्रेसिडेंसी बैंकें थी, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, दोस्तों इन तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी? 27 जनवरी 1921 को। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक था और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर फिर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। वो कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन सी समिति पर की गई? वो है गोरेवाला कमेटी की संस्तुति पर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो हम लोग जानते ही हैं भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1934 में। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ये कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, और जो स्टार्ट हुआ जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये 5 करोड़ रुपए की राशि से इसका माने स्थापना की गई थी RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों इसको बैंकों का बैंक या सरकार का बैंकर भी के रूप में भी काम करता है, वो है RBI, इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों एकमात्र राज्य जिससे कारोबार का लेन देन RBI नहीं करता है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे इंडिया में RBI लेन देन का देखरेख करता है। भारत में कार्यरत सर्वाधिक शाखा खोलने वाला विदेशी बैंक है चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक, लगभग 94 शाखाएं दोस्तों इसकी। नेक्स्ट है, 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, इसमें 14 बैंक शामिल थे। फिर दूसरा राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों 200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 बैंकें थी, फिर दूसरी बार में उसका व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। दोस्तों देश में सर्वाधिक शाखाएं हैं तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों विदेश में सबसे सर्वाधिक शाखाएं हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की। दोस्तों भारत में म्यूचुअल फंड व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, वो किया गया था 1964 में UTI द्वारा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड स्थापित करने वाला पहला बैंक है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है, इसने जुलाई 1987 में म्यूचुअल फंड स्थापित किया था। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है US 64। दोस्तों देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, तो वो की गई थी सुरैया समिति की सिफारिशों के अनुसार। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1 साथ 5 क्षेत्रों में स्थापना कब की गई?
तो वो की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसे बोलते हैं दोस्तों की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कुल पूंजी दोस्तों इसकी 100 करोड़ रुपए थी जब इसकी माने स्थापना की गई थी उस समय। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया दोस्तों। जो 14 पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो दोस्तों 20 हुई। लेकिन जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। ये कर दिया गया था 4 सितंबर 1993 को। दोस्तों वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा विदेशी बैंकों की संख्या है दोस्तों क्रमशः 20। लेकिन एक नया माने ये बैंक बना है जो 2014 में बना शायद, वो है तुम्हारा वो है राष्ट्रीय महिला बैंक। तो 21 हो गई अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्याएं, राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 21 हो गई तथा विदेशी बैंक की संख्या 29 है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों वित्त सचिव का। दोस्तों आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तथा वर्तमान गवर्नर हैं दोस्तों। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख दोस्तों। अभी हैं हमारे वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल दोस्तों। निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोस्तों। ये राष्ट्रीयकृत बैंक है जो हमारे भारत सरकार द्वारा संचालित होता है दोस्तों। भारतीय लघु विकास बैंक इसे सिडबी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1990 में दोस्तों। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसे दोस्तों यूटीआई बोलते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को दोस्तों। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सएमबी बोलते हैं दोस्तों इसको, की स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है दोस्तों। भारत में जीवन बीमा का देन है तो वो है ब्रिटेन की दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है भारतीय साधारण बीमा निगम, इसे GIC बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी नवंबर 1972 को दोस्तों। नेक्स्ट है बैंकिंग सुधारों के लिए तथा बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समिति है, तो बैंकिंग सुधार के लिए है नरसिंघम समिति और बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए है मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई, ये की गई 1931 ईस्वी में दोस्तों। देश का पहला मोबाइल बैंक है तो वो है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये मध्य प्रदेश में इसका स्टार्ट हुआ पहला मोबाइल बैंक, लक्ष्मी वाहिनी बैंक। नेक्स्ट है देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया, तो देश का प्रथम तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया है कोच्ची में, और वो बैंक है जो जिसके द्वारा किया गया है SBI। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई दोस्तों। IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना की गई 1964 को दोस्तों। नेक्स्ट है देश की पहली महिला बैंक मैनेजर हैं तो वो हैं दोस्तों शांता कुमारी, और ये स्टेट सॉरी दोस्तों ये सिंडिकेट बैंक से थी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।